फटाफट से अपने साथ जोड़ लेते हैं और उनसे ज़रा पता कर लेते हैं कि आज डीलिंग रूम से कौन सा बज़ उनके हाथ में लगा है। तो देखते हैं खबर गर्म है सेगमेंट। बताइए शरद। जी बिल्कुल, फोकस में जो है हम निप्पॉन इंडिया AMC रहने वाला है और हमारी जो है डीलर्स के साथ बातचीत हो रही है और यहाँ पे पता चल रहा है कि HNI सेगमेंट में जो है यहाँ पे बाइंग देखने मिल रही है। अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो 18x20-day एवरेज की जो है वॉल्यूम्स आई है और स्टॉक जो अपने 2-year हाई लेवल्स को भी टच कर दिया है। इंटरेस्टिंगली Q2 नंबर्स जो आने वाले हैं निप्पॉन इंडिया AMC की वो 30 अक्टूबर को आने वाला है और उसका बाजार का एक्सपेक्टेशन है कि रेवेन्यू में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिल सकती है क्योंकि अच्छी इन्फ्लोज आई है उनके इक्विटी फंड्स में, स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप में, और इसके अलावा एक स्टडी इक्विटी मार्केट की परफॉर्मेंस रही है। वहीं अगर ऑपरेशनल नंबर्स के बारे में, एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करें Q2 के लिए तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट का एक्सपेक्टेशंस है क्योंकि कॉस्ट मेजर के जो आप कह सकते हैं कॉस्ट कटिंग मेजर्स हो रही है तो उसके कारण मार्जिन में बेनिफिट मिल सकती है। और आज ही दिन के ट्रेड में HDFC AMC के 3 घंटे पहले जो है रिजल्ट्स आई थी और वहाँ पे भी देखा गया कि बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रहे, तो एक टाइप से रब ऑन इफेक्ट भी जो है आपको देखने मिल रहा है निप्पॉन इंडिया AMC का। लेकिन ओवरऑल जो हमारी डीलर से बात हुई है वहाँ से पता चला है कि HNI सेगमेंट में यहाँ पे बाइंग देखने मिल रही है। आपको आज के एनालिस्ट का बताता हूँ, आज आयुष ने कॉल दी थी, इसके अलावा कल ये जय ने कॉल दी थी, तो जय और आयुष ने भी इसके प्राइस एक्शन को देखा। आपने इसके पीछे की खबर बताई कि हाँ कुछ डोमेस्टिक बाइंग हो रही है और ये शेयर चल भी रहा है। आप देख पा रहे हो कि 7-8% आज ऊपर है। ये 7% रिटेलर्स का काम नहीं है, रिटेलर्स नहीं कर सकते 7% ऊपर, तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग ही होती है, ये आप बिल्कुल मान के चलिए। और 83 लाख शेयर आज में ट्रेड हुए। मैं अभी थोड़ी देर में इसका चेक ही कर रहा था एवरेज, मैं थोड़ी देर में एवरेज भी चेक करके आपको बता दूंगा इसके बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक